हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको सिखाऊंगा एसेटिक एनिमी फोटो एडिटिंग, कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हो स्क्रीन पे। आपको भी सीखना है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना है। वीडियो बहुत मेहनत से बनाया गया, इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल बनाया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आप लोग को हर रोज इस तरह का एडिटिंग का वीडियो देख सके। तो चलिए वीडियो को कर देते स्टार्ट। सबसे पहले अपनी फोटो को आपको ऐड कर लेना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। उसके बाद सिंपली टूल्स पे क्लिक कर देना है और रिसाइज इमेज पे क्लिक करके मैक्सिमम रिसाइज में डाल के रिसाइज ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। सिंपली आपको ये कार्ड वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको ले लेना है और कुछ इस प्रकार साइज को बड़ा करना है, यहाँ लगा देना है। इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इन्वर्ट पर क्लिक कर देना है, नीचे ऑप्शन दिख जाएगा इन्वर्ट का, उस पर क्लिक कर देना है। रिस्टोर वाली ब्रश पर क्लिक करके बैकग्राउंड में आपको सिंपली ब्रश को चला देना है। तो इतना होने बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये एनिमी वाला फेस मिल जाएगा, इसको ले लेना है। सिंपली अपनी फोटो को जूम करना है और इसके साइज को छोटा करना है फेस को, और यहाँ पर आपको लगा देना है। इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, हार्डनेस को 100 करना है और सिंपली जो नीचे का पार्ट है उसे थोड़ा सा आपको इरेज कर देना है। सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन में चले जाना है। आपको ये दो पीएनजी मिल जाएगी, दोनों को आपको ऐड कर लेना है और सिंपली डेविल वाली पीएनजी को आपको यहाँ पर लगा देना है सिंपली, एंड इसके बाद ये वाली पीएनजी को कुछ इस प्रकार आपको इधर लगा देना है। इतना होने बाद सिंपली आपको ऐड फोटो पे अगेन क्लिक कर देना है। आपको ये वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको ले लेना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। ब्लेंड ऑप्शन पे जाना है, मल्टीप्लाई पे सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है। तो मैं इसकी ओपेसिटी को कुछ इतना परसेंट कर दूंगा। इरेज वाले ऑप्शन पे जाके जो ये थोड़ा सा ऊपर पार्ट आ रहा है इसको आपको इरेज कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद अगेन आपको ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपको ये जोकर वाली पीएनजी मिल जाएगी, इसको ऐड कर देना है और सिंपली इसको कुछ नीचे की तरफ आपको लगा देना है। यहाँ पर लगाने के बाद सिंपली इसकी ओपेसिटी को आपको कम कर देना है और ब्लेंड ऑप्शन पे जाके सिंपली इसको आपको मल्टीप्लाई में सेलेक्ट कर देना है। सिंपली इसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है, चले जाना है टूल्स वाले ऑप्शन पे, ऑब्जेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है, कॉन्ट्रास्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और कॉन्ट्रास्ट को कुछ इतना परसेंट आपको प्लस में कर देना है। इसके बाद आपको क्लैरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्लैरिटी पर क्लिक करके कुछ इतना परसेंट क्लैरिटी को आपको बढ़ा देना है। इसके बाद आपको सिंपली चले जाना हाईलाइट पे, हाईलाइट को आपको थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद आपको शैडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, शैडो को भी आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है। इतना सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है, एफएक्स पे जाना है और एफएक्स में जाओगे तो आपको ये वाला फिल्टर मिल जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, और सिंपली हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद मैं एक और फिल्टर आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला एक फिल्टर आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसको ले लेना है और नॉइज रिड्यूस है जो इसका फर्स्ट वाला, इसको थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। इतना सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो। ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो कर लेना सेव। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बनाना सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।